हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे शरीर पर शिक्षा में। बेल वगैरह आज आप आ चुके हैं हमारे एक अमेजिंग से वीडियो पे। और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे घर में बनाए हुए कुछ बेब्लेट्स जो मैंने बनाया था एक वीडियो पे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इस वीडियो पे भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स है इसकी उम्मीद रखता हूँ। बिना किसी एक्स्ट्रा बकवास के मैं ये बता देता हूँ, बकवास करते हुए ही, कि ये जो बोल्ट है ये कहाँ मिलता है। मुझे कई लोगों ने पूछा है, कितने सारों को मैंने बताया था। इसको बोलते हैं रेत बोल्ट, रेत, ठीक। वो क्या बोलते हैं, वो जो बालू होता है ना, उस टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, रेत बोल्ट। और ये 2.25 इंच का है। आप लोग जाके हार्डवेयर दुकान में रेत बोल्ट बोलेंगे ना, या फिर नट बोल्ट वाला बोल्ट जो कॉम्बो आता है 2.25 इंच का, वो बोलिएगा, मिल जाएगा। और हो सके तो अपने स्पिन ट्रैक लेके जाइएगा, कोई सा भी ऐसा स्पिन ट्रैक, उसमें फिट करके दीजिएगा कि होता है कि नहीं। सो दोस्तों, आज हम इन दोनों का आपस में बैटल करने वाले हैं, कौन ज़्यादा अच्छा है दोनों में से। और मेरे पास कुछ टीटी के बेस हैं, ये स्टॉर्म पेगासस कॉस्मिक, स्टॉर्म पेगासस गैलेक्सी पेगासस बर्न फिनिक्स और ट्विस्टेड टेम्पो। सो गाइज, इनके साथ बैटल करेंगे, देखते हैं कि क्या ये टैंक बेब्लेड्स इन्हें डिफीट कर पाते हैं या ओरिजिनल टकराटोवे की बेब्लेड्स हार जाते हैं इनसे। सो लेट्स बिगिन द फाइट। सो दोस्तों, मैं इन बेब्लेड्स के लिए रिपकॉर्ड लॉन्चर का इस्तेमाल करूंगा, फेक वाला ही है जो आता है 4 के सेट में, इन्हीं चारों के साथ आया था बेसिकली जो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा प्यारा दुलारा सा ये स्ट्रिंग लॉन्चर खराब हो जाए, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है। आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पे आई कार्ड का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको जाके। सो फाइट को स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों के आपस में बैटल करके देखते हैं दोस्तों कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा है। इसमें बॉल टिप है, थोड़ा सा लंबा इसका स्पिन ट्रैक भी, तो इसको पहले लॉन्च करूंगा मैं, इसके पास थोड़ा सा एडवांटेज है जो कि इसके पास नहीं है। सो मैं इसको सही से सेटअप करता हूँ एंड बिगिन द फाइट। लेट इट ट्रिप, लेट इट ट्रिप। देखते हैं दोस्तों कि कौन जीतेगा, डिफेंस या फिर स्टेमिना स्पिन ट्रैक के साथ में। यहाँ पर हमारा मीडियो लियोन तो थोड़ा सा काफी ज्यादा फिट तो वो दिख रहा है एंड वो हार गया। ओ भाई, ओ भाई, ये लाइटनिंग लियोन तो जीत गया, मिटियो लियोन हार गया। एक और बैटल करके देखते हैं दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसका भी स्ट्रिंग लॉन्चर का इस्तेमाल करके देखते हैं हम कि कौन जीतेगा। थ्री टू वन लेट ट्रिप, लॉन्च थोड़ा सा अजीब होता है। थ्री टू वन लेट ट्रिप, कौन जीतेगा दोस्तों, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि इस बार मिटियो लियोन भी हार सकता है, क्योंकि लाइटनिंग लियोन का थोड़ा सा स्टेमिना। ओ भाई, क्या गंदा पटका बे। एक बार इसको मैं पहले लॉन्च करके देखता हूँ दोस्तों, हो सकता है कुछ कहानी अलग हो, अलग मिले हमको। सो 3-2-1 लेट इट ट्रिप एंड इसको 3-2-1 लेट इट ट्रिप। अब हो सकता है दोस्तों कि कुछ कहानी हमको अलग देखने मिल सकती है। 2 पॉइंट हो चुके हैं लाइटनिंग लियोन के और भाई हार गया। ओ भाई, इस बार कम बैक किया है इनका। दोस्तों वेट इतना है ना कि एक अटैक बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। आप आने वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, आने वाले टाइम पे, अभी आगे फ्यूचर में क्या निकल रहा है, फेक बेबलेट्स का कुछ कुछ झड़ते रहता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। एक और बार इसको लॉन्च करते हैं 3-2-1 लेट इट ट्रिप पहले एंड अब इसको, इसीलिए मैं लॉन्च नहीं करता हूँ इससे। 3-2-1 लेट इट ट्रिप। ओ भाई, क्या हो गया भाई, मेरा लॉन्चर ना क्लियर है। 3-2-1 लेट इट ट्रिप, देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि ये फंस चुका है इसमें, निकल नहीं रहा है ये कुछ भी कर लेने पे। तो बोलूंगा मैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर कर रहे हैं तो अपना इस टाइप के लॉन्चर से दूर रखिएगा प्लीज। सो दोस्तों, फाइनली मैंने निकाल तो लिया है इसमें से, हालांकि मेरे लॉन्चर को कुछ नहीं हुआ भगवान भरोसे, लेकिन यार मेरा स्पिन ट्रैक का बलिदान देना पड़ा। जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर की चूड़ी निकल गई है जो रहती है, सो टाइट होता है जिसमें स्क्रू। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, शो मस्ट गो ऑन, बट हाँ सेक्रीफाइस होते रहता है, लेकिन सपोर्ट मिलना चाहिए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दोस्तों, ये स्पिन ट्रैक के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा चैनल को। सो शो मस्ट गो ऑन, तो उसको स्टार्ट करते हैं वापस से हम। लेकिन हाँ, इस बार इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला मैं, हाँ इस बार बस इसी को इस्तेमाल करेंगे। ये तो जीत चुका है या फिर ये जीत चुका है कोई पता नहीं, दोनों का 2-2 पॉइंट मानते हैं और एक बार बैटल करते हैं फिर से। 3-2-1 लेट इट ट्रिप, 3-2-1 लेट इट ट्रिप। दोस्तों मेरे बलिदान, मेरे स्पिन ट्रैक के बलिदान का क्या रुख होता है अब ये तो पता नहीं है मुझे,
कि क्या काम आएगा क्या काम नहीं आएगा, लेकिन इनका बैटल थोड़ा सा अच्छा हो गया है, वो लो मोड में आके थोड़ा सा अच्छा आ गया डिफेंस का है ना। तो दोस्तों जैसे कि हमारा मिडियो लियोन यहाँ पे जीत गया है, ये जीत चुका है, सो हम इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब इन सब की बैटल्स करते हैं हम इससे। सो सबसे पहले हम टू से टेम्पो को लेके आएंगे, देखते हैं कि ये जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। मुझे लगता है कि जीत जाएगा, इसका डब्ल्यू डी टी बहुत कमाल का है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं टीटी इसको लॉन्च करता हूँ, ट्विस्टेड टेम्पो को। थ्री टू वन लेट इट स्लिप, अब इसकी बारी, टैंक बेब्लेड हमारा। थ्री टू वन लेट इट स्लिप, इसका काफी ज्यादा लो स्पिन ट्रैक होने वाले, थोड़ा सा स्क्रैप कर रहे हैं स्टेडियम पे। बाकी तो देखा, देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है इस मैच का परिणाम, किस रुख में जाएगा ये हमारा मैच। ये अच्छा खासा ट्विस्टेड टेम्पो को दो तीन तमाचे खींच के मारा तो है ये, पर पता नहीं कितना देर से संभाल पाएगा, क्योंकि ट्विस्टेड टेम्पो का स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है एंड मुझे तो लगता नहीं है कि उसे जीत पाएगा ये। एंड यस हरा दिया इसको, इसको ये हरा दिया। ट्विस्टेड टेम्पो इज ऑलवेज द विनर। अब एक बार आते हैं बर्न फायर ब्लेस पे, इसको देखते हैं कि ये क्या कमाल दिखा पाएगा। सो पहले हम इसको लॉन्च कर देते हैं बर्न फायर ब्लेस को, इसका स्टेमिना काफी ज्यादा है, इसका टिप भी बहुत अच्छा है। थ्री टू वन लेट इट स्लिप, अब इसको करेंगे हम हमारा टैंक रेलेट। थ्री टू वन लेट इट स्लिप, आते साथ एक तमाचे खींच के मारा है और ये फेंक रहा है। ओ भाई क्या ही टक्कर हो गई, काफी अच्छा खासा अग्रेसिव टक्कर ले रहा है ये तो। ओ भाई नानी या दिलादी होगी जिंगा के पापा को, तो यार जिंगा का पापा बोले कितना अजीब लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा फैमिलियर लगता है कि अरे जिंगा का ऊपर। अब रियो हगाने गो में जाके मतलब अजीब लगता है। ओ भाई गया गया गया। ओ भाई क्या हो गया, ओ भाई जीत गया, टैंक फेवरेट जीत गया। मेरे को लगा नहीं था दोस्तों कि जीत पाएगा इससे, लेकिन फिर भी जीत चुका है। पहला बेब्लेड जो हारा है इसको हम लोग साइड में रखते हैं इससे। अब आते हैं जीतने वाले को इधर रख देते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम अपने गैलेक्सी पेगासस पर। इसके लिए तो मुझे सबसे पहले इसी को लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रबर फ्लैट टिप एग्रेशन ज़्यादा है, स्टेमिना कम। सो इसको लॉन्च करता हूँ पहले मैं। थ्री टू वन लेट इट स्लिप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावरफुल लॉन्च हुआ है इसका, और इसको लॉन्च कर मार तो रहा है, अच्छा खासा मार है। क्या लगता है आपको इसका डिफेंस का काम आ पाएगा, फिर टैंक मिनट का हमारे वीडियो लिए। वो जीत गया दोस्तों इससे। तो एक और बैटल करें क्या, आखिरी भी करेंगे, लास्ट भी करेंगे। इसको यहाँ रखते हैं, वैसे हार गया था ना, हाँ जीत गया था, इसको यहाँ रखते हैं हम। अभी हम लेके आते हैं सामने स्ट्रॉन्ग पेगासस, मेरा फेवरेट पेगासस है, हालांकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, बोलते हैं कि कॉस्मिक के परसों उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को ये लगता है। सो पहले हम इसको लॉन्च करते हैं। थ्री टू वन लेट इट स्लिप, ओ भाई मैं फिर से रिस्क लिया हूँ लेकिन उल्टा कर दिया, फिर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा परिणाम। गजब गंदा अटैक मारा, ऊपर से कूद के मारा, अपना स्टार ब्लास्ट अटैक मारा है, तो इसका स्टार बूस्टर नहीं, स्टार बूस्टर का गैलेक्सी पेगासस का है। क्या लगता है दोस्तों कि जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, अटैक काम आएंगे डिफेंस के सामने कि नहीं आएंगे। मुझे तो लगता है दोस्तों कि आ गए हैं काम, एंड स्ट्रॉन्ग पेगासस एज यूजुअल सबसे ज़्यादा अच्छा बेब्लेड, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड जीत गया है। सो ये तीनों बेब्लेड्स इसे जीते हैं और ये दोनों इससे हारे हैं। मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों से, खासकर इससे तो जितना मुश्किल है इम्पॉसिबल है, इन दोनों से एक बार इन दोनों को पहले लॉन्च करके इनसे करके देखता हूं मैं। देखते हैं कि ये दोनों पहले लॉन्च होने के बाद क्या कर पाते हैं अपने साथ में, कि कुछ नहीं कर पाते। सो दोस्तों पहले हम लॉन्च करेंगे स्ट्रॉन्ग पेगासस को। थ्री टू वन लेट इट स्लिप एंड नाउ दिस। थ्री टू वन लेट इट स्लिप, आप देखते हो दोस्तों कि क्या कुछ कमाल दिखा पाएगा आपका अटैक पावर। इसका अटैक पावर ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग पेगासस में अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या तमाचा मारेगा कि स्ट्रॉन्ग पैकेज के स्टेमिना यहाँ पर थोड़ा सा जाते हुए लग रहा है मुझे दोस्तों। पता नहीं क्या होने वाला है, आगे का परिणाम क्या होगा, टैंक ग्रेड का जीत पाएगा, अपना रैंक बना पाएगा यहाँ पे कि हार जाएगा। बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल होने वाला है, दोनों खत्म हो चुके हैं एंड ये जीत गया। मतलब स्ट्रॉन्ग पैकेज मतलब अगर अटैक टाइप ग्रेड को पहले लॉन्च करें तो हारने के थोड़े सब चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो फिर भी कोई नहीं दोस्तों, मैं इसको सेटअप करके यहाँ पर रखता हूँ, फटाक से लॉन्च हो जाए ताकि, एंड अब गैलेक्सी पैकेज को ऊपर लॉन्च कर लेते हैं। थ्री टू वन लेट इट ट्रिप स्क्रैप पावर, स्क्रैप क्या खतरनाक अटैक मारा था, पर स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान सामने हार चुका है ये, वो साफ पता चल गया था कि कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों परिणाम आपके सामने है कि किससे किससे जीता है और किससे किससे हारा है, इससे और इससे, ये दोनों इससे हार चुके हैं और ये तीनों ये भी हार चुके हैं वैसे तो, और ये दोनों इसे जीत चुके हैं, तो दो दो की टाई हो चुकी है एंड बीच में बेब्लेड हमारा शानदार बैठा हुआ है। सो दोस्तों ये वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड हाँ आई नो कि थोड़ा सा जल्दी में बनाएंगे कि मुझे काम है थोड़ा सा, काफी पर्सनल इशू रहते हैं दोस्तों, समझा करो थोड़ा सा बात है। हाँ तो दोस्तों सबसे पर्सनल टॉक ज्यादा हो गया क्या, नहीं हुआ है ना दोस्तों, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।